संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ सपा के कल होने वाले हल्ला बोल को लेकर प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। यूपी के बुंदर शहर में जिला प्रशासन ने तहसील स्तर पर एक अस्थायी जेल की स्थापना की। कुल मिलकर लाकर बुंदर शहर, खुर्जा, सिकंदराबाद, उनप्पा शहर, शिकारपुर, सयाना और पसाहू में 9 स्थायी जेल बनाई गई है और सेक्टर मजिस्ट्रेट की संख्या बढ़ाकर 7 से 14 कर दी गई है। इतना ही नहीं, स्टेट मजिस्ट्रेट की संख्या 27 बढ़ाकर 54 की गई है। बुंदर शहर के सीमाओं को सुबह से ही सील करने का दावा किया गया है। हालांकि बॉर्डर पर यातायात बहाल रहेगा, लेकिन किसी भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को जनपद की सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा। आने वाले 2 दिन सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अगर शहर में फीसा बिगड़ती है तो इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं पर भी रोक लगा दी जाएगी। देखिए, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पैदल मार्च किए जा रहे हैं, कंट्रोल रूम चालू है। आपने पूछा अस्थायी जेल के बारे में, यस, अस्थायी जेल बनाए गए हैं और जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है वो भी अलर्ट है। लोगों से बातें भी की जा रही हैं, उनसे शांति की अपील की जा रही है। इसके बावजूद भी अगर लोग कानून तोड़ते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना को चोट पहुंचाते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात बहुत क्लियर है। अच्छा सर, स्कूल कॉलेज और मार्केट के बारे में क्या पूरी तरह सूचना है? कल और परसों समस्त स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और ठंड के कारण से भी, ये कारण है ठंड के कारण से भी, जहाँ एग्जाम चल रहा है वो एग्जाम यथावत चलता रहेगा। सर, धारा 144 लागू है, ऐसे वो पहले से ही लागू है, धारा 144 पहले से ही। सर, सीमाएं भी सील की गई क्या जिले की? नहीं, सील नहीं, ऐसे ही चेक चल रहा है। एआरटीओ परिवहन द्वारा चेक किया जा रहा है, सुरक्षा को लेकर चेक किए जा रहे हैं और सामान भी, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर भी चेक किए जा रहे हैं। तो ये जो व्हीकल की चेकिंग है पहले से ही चली आ रही है, आज थोड़ी सी सुरक्षा को लेकर और मुस्तैदी से। सर, इंटरनेट और मोबाइल सेवा के बारे में क्या है, क्या उनको भी बंद किया जाएगा? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आएगी जैसे कुछ अन्य जिलों में किए गए, ऐसी स्थिति आएगी तो इस पर विचार किया जाएगा। अभी वर्तमान लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।